गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। तो समय को सेव करिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपसे, समय बहुत कीमती है। टाइम का पता बेटा प्रेजेंट में नहीं चलता है, भविष्य में चलता है। अगर आपका 10 का नोट गिरता है तो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन टाइम गिरता है ना बेटा, तो फ्यूचर में ही समझ आता है कि मैंने टाइम कहाँ बेकार किया है। हम लोग एक एक घंटा, दो दो घंटा, FB, व्हाट्सएप, ये बहुत समय है चलाने के लिए। शर्त एक ही है, अभी अपना जो कर्म है वो है पढ़ना। तो अपने नेट को सही जगह यूज करें, वही सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है आपका कैलेंडर का। इससे पहले 5 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, एक कंसेप्ट बचा हुआ है आज, उसे ध्यान पूर्वक समझना है। हर एग्जाम में सवाल उससे बनता है। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है वर्ष समान। वर्ष समान, वर्ष समान दो टाइप से बनता है बेटा। एक तो केवल एक महीना समान होता है जनवरी, और एक पूरा साल समान होता है। तो हमें दोनों ही टाइप पढ़ना है। एक पढ़ना है होल ईयर सेम, होल ईयर सेम। एक पढ़ना है ओनली जनवरी सेम, ओनली जनवरी सेम। तो ये दो टाइप से पूछता है। एक तो पूरा कैलेंडर समान पूछता है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो यही है, ऑल ईयर का कंसेप्ट सर। कभी कभी एक आध बारी वो पूछ लेता है जनवरी सेम का। तो हम दोनों ही टाइप के सवाल पर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहला कंसेप्ट समझते हैं ऑल ईयर से सर, ठीक है? तो आइए कॉपी पेन उठा लें आप लोग, साथ साथ में लिखते चलें। देखो मैं पूरा जो पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लो और समय बेकार, नहीं। आप लोग लिखेंगे, मेरा वादा है, लिखने से 50% चीजें माइंड में अच्छे से सेट हो जाती हैं। आप कभी दोबारा ना भूलें तो साथ साथ लिखते रहें सवालों को, और कंप्लीट एक नोट्स बनाएं। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। आदित्य सर का कहना यही होता है ना, हम भी यही कह रहे हैं आपसे, है ना? आपका कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा, अगर रहे तो मुझे बताएं, मैं उसे पूरा कराऊंगा सर। अगर कैलेंडर में ऐसा कोई कंसेप्ट छूटा है, आपको लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट पवन सर ने नहीं पढ़ाया, तो आप मुझे दें भाई, उसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला समझते हैं ऑल ईयर सेम। तो एक सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले सवाल लिख लेंगे उसके बाद चर्चा आके करेंगे। सवाल लिखेंगे वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा, सा वर्ष होगा जो जो वर्ष 2005 के पांच के वर्ष 2005 के पूरे वर्ष 2005 के पूरे वर्ष 2005 के पूरे कैलेंडर के समान है, के समान है, के समान है, यह पूरे वर्ष के समान है। कुछ भी, वर्ष 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो वर्ष 2005 के पूरे कैलेंडर के समान है। चार ऑप्शन मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन 2010, 2011, 2012, 2015। बोलिए सर, वर्ष 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो वर्ष 2005 के पूरे वर्ष के समान या पूरे कैलेंडर के समान है। बात एक ही है, तो ध्यान से समझना है। पहला सवाल है सर, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले पूरा डिटेल कंसेप्ट। एक बार ही बस पहला सवाल समझ में आ जाए, तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर ट्रिक पर ही लेके चलूंगा आपको। तो बेटा ध्यान से समझना,
दो चीजें दिमाग में रखना है बेटा। आप सबको पता है कि एक साधारण वर्ष में, जनरल ईयर में, जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें ऑड डेज कितने होते हैं बेटा? एक। सबने अच्छे से पढ़ा है। और एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, उसमें ऑड डेज कितने होंगे बेटा? तो 7 से भाग देना, शेषफल जो बचेगा वही आपका विषम दिन होगा। तो इसका ही हमें यूज करना है। हर एक साधारण वर्ष पर विषम दिन एक लिखना है, अगर लीप वर्ष है तो विषम दिन दो लिखना है। लीप वर्ष का मतलब समझ रहे ना, जो 4 के मल्टीपल में हो, 4 से कट जाए एग्जैक्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं सन 2005। देखिए 2005, 2005 कैसा दिन है बेटा? तो 2005 अगर यहां पर देखूं, इसको मैं मिटा देता हूं, यही लिखा देता हूं साथ साथ में। तो वर्ष 2005, 2005 विषम दिन है, सॉरी विषम आपका जनरल ईयर है, तो ऑड डेज कितना बचेगा? एक। ठीक है बेटा। वर्ष 2006 कैसा है? ऑड डेज है, 4 से एग्जैक्ट कटा गया, नहीं। 2007 भी ऑड डेज है, लेकिन 2008 देखेंगे ना बेटा, तो ये आपका ऑड डेज नहीं, ये आपका जनरल ईयर नहीं है, लीप ईयर है। लीप ईयर होगा तो यहाँ ऑड डेज कितना लिखेंगे? तो लीप ईयर के लिए एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एक तो रह ही रहेगा, एक और बढ़ जाएगा। 2009 कैसा है? एक लिखेंगे। 2010 एक लिखेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये जब तक लिखेंगे तब तक ये 7 से एग्जैक्ट ना कट जाए, इनका योग ऊपर से लेके नीचे तक हमें कंप्लीट जोड़ना है बेटा। जोड़कर ये अगर 7 से एग्जैक्ट कट गया तो यहीं रुक जाएंगे, अगर 7 से एग्जैक्ट नहीं कटा तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे, और जब तक लिखते रहेंगे तब तक 7 से नंबर जोड़कर एग्जैक्ट ना कट जाए। बात समझ पा रहे हो ना? तो एक बार इन सबको ऊपर से नीचे तक जोड़ते हैं, 1 2 3 5 6 7। अब आप लोग देखेंगे यहां पर ये जो जोड़ आया हुआ है कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक वो 7 तक के बेटा, 7 7 से एग्जैक्ट कटता है। जहां एग्जैक्ट कट जाए उसका जो नेक्स्ट वर्ष होगा, 2010 नहीं होगा बेटा। कुछ बच्चे 2010 लगा रहे होंगे ना, ये नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को सर? तो 2010 के अगले वाला, क्योंकि ये तो 31 दिसंबर तक का ऑड डे हमने लिख लिया, तो जो नेक्स्ट वर्ष आएगा इसका नेक्स्ट वर्ष क्या होगा? 2010 के बाद नेक्स्ट वर्ष आएगा 2011। तो आंसर क्या बन जाएगा? 2011। तो हूबहू सेम टू सेम डिजिट। अगर आपको लगता है कि हमें 2000, कुछ कंजूस टाइप के लोग रहते हैं वो यही काम करते हैं साहब, वो 2005 का कैलेंडर उसने रख लिया साहब, अब उसने सोचा कि आगे भी काम आएगा, सारी चीजें काम आती हैं। अपन लोग भी कोई अगर अच्छी जगह साफ करना हो तो पुराना कपड़ा मांगते हैं, अपन लोगों की मेंटेलिटी देखो साहब, अगर अपन को कोई अच्छी चीजें साफ करना हो, ऐसे गाड़ी वाड़ी साफ करना हो, तो अपन लोग क्या कहेंगे? एक पुराना कपड़ा पड़ाएगा, एक गंदा कपड़ा पड़ाएगा, अच्छी चीज को साफ करने के लिए भी गंदा लेते हैं साहब। तो ये तो भाई कैलेंडर है, तो 2005 का अगर हम लोग कैलेंडर रख ले तो हूबहू आपको 2011 में सेम दिखेगा। यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार होगा तो 2011 में 1 जनवरी 2011 को भी सोमवार होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, अगर डिटेल का किसी को लेना हो तो, डिटेल बनाना हो तो ऑड डेज लिखना पड़ेगा, साधारण वर्ष के लिए एक, लीप वर्ष के लिए दो। क्लियर है बात इतनी सी? आगे बढ़े। अब मैं बताता हूँ बेटा इसे अपन लोग कैसे, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है, हमें स्पीड भी मेंटेन करके चलना पड़ती है। नॉलेज नॉलेज से कुछ नहीं होगा बेटा, स्पीड भी इसके लिए चाहिए। तो अब करना क्या है प्लीज ध्यान से समझना बेटा। एक बार अगर मैं ऑप्शन पर नजर मारूं तो एक ऐसा वर्ष है, एक आप लोग देखेंगे जी, एक जनरल ईयर है। कैसा है? जनरल ईयर, एक साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का पूरा कैलेंडर याद रखना है बेटा, साधारण वर्ष में ही होगा तो एक कहानी तो यहां से खत्म हो जाती है। 2012 कैसा? लीप वर्ष, इसमें 29 फरवरी आएगी और यहां 29 फरवरी मिलेगी नहीं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही समान होगा, लीप वर्ष में कभी समान नहीं हो सकता है। अब ट्रिक क्या यूज करेंगे वो समझे सर, ध्यान से समझेंगे सर। कोई भी अगर वर्ष दिया हो, यहाँ मैं लिख देता हूं साथ साथ में, आप भी लिख लें। कोई भी वर्ष दिया है, कोई भी वर्ष दिया हो उसके
लास्ट टू डिजिट में, लास्ट टू डिजिट में चार से भाग देना है। कितने से भाग देना है बेटा? चार से भाग देना है। इसको मिटा देता हूं मैं। आखिरी के दो डिजिट में चार से भाग देना है। यदि शेषफल बेटा एक बचे, ये शेषफल है, ये वर्ष है। यदि शेषफल एक बचेगा तो दिए गए वर्ष में हम लोग छह जोड़ देंगे। ये फिक्स होता है बेटा कि साइकिल चलती रहती है, कैलेंडर फिक्स होता है, समझ रहे हो ना बात को? अगर शेषफल एक बचता है तो हर छह साल बाद हूबहू कैलेंडर आपको मिलेगा। यदि भाग देने पर शेषफल दो बचता है तो हमें दिए गए वर्ष में 11 जोड़ना है। शेषफल तीन बचता है तब भी 11 जोड़ना है। अगर शेषफल जीरो बचे बेटा, क्योंकि चार से भाग देने पर कभी चार नहीं बचेगा, अभी आगे समझाऊंगा, तो यहाँ पर जोड़ना है 11, 11, 22 और 6, 28। याद रखना है, इस पैटर्न से आप लोग याद रख सकते हैं, 11, 11, 22 और 6, 28। ये छोटा सा कंसेप्ट है, 6, 11, 11, 28 याद रहेगा, 6, 11, 11, 28, 6, 11, 11, 22, जमा 6, 28। अब ये यूज कैसे होगा ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा कि 2005 है तो इसके आखिरी के दो डिजिट हमने उठाए, लड़कियों की स्टाइल में भाग दिया, ऐसी भाग देती हैं लड़कियां, चार एकम चार, शेषफल कितना बचा एक। अगर शेषफल एक है तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देंगे? छः। तो 2005 और छः कितना होगा? 2011। हम कह सकते हैं कि 2011 का कैलेंडर हूबहू सेम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बात बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और हालांकि इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है, डायरेक्ट भाग देना है चार से आखिरी दो डिजिट में। चार एकम चार, एक बचा, एक के लिए छः जोड़ेंगे, पाँच और छः 11, 2011। तो अगले सवाल आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, सवाल लिखते हैं अगला। तो कोई भी वर्ष दिया हो बेटा, उसके आखिरी दो डिजिट में कितने से भाग देना है? चार से। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे वर्ष, मैं डायरेक्ट लिखाता चलता हूं, लिखेंगे वर्ष 2017 का कैलेंडर अगले किस वर्ष समान होगा, आगे किस वर्ष समान होगा। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2013 का कैलेंडर आगे किस वर्ष समान होगा। तो ये दोनों सवाल हैं, आप लोग बनाए पहले, ये तीसरा सवाल आज का, ये चौथा सवाल है। तो क्या इसमें वक्त लगेगा बेटा? उड़ा देंगे, चार से भाग दो आखिरी के दो डिजिट में, चार छुक 16 कितना बचा एक, और एक के लिए कितना जोड़ देंगे बेटा दिए गए वर्ष में? 6, 17 और 6, 23, 2023। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आ गई होगी। ये 4, 3, 12 कितना बचा एक, एक के लिए कितना जोड़ देंगे? 6, 13 और 6, 2019। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5, आपको बताना है 1996 का कैलेंडर अगले किस वर्ष समान होगा। 1996 का कैलेंडर अगले किस वर्ष समान होगा। तो आपने देखा यहां पर ये चार से एग्जैक्ट कटा, आखिरी के दो डिजिट चार से एग्जैक्ट कटे कि नहीं। चार से एग्जैक्ट कटेगा तो शेषफल क्या मिलेगा बेटा? जीरो। और शेषफल जीरो मिलेगा तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देंगे? 28। तो 2024। कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं बात को। तो भाई कब तक हम लोग लिखेंगे? इस ट्रिक की हेल्प से हम लोग काफी फास्ट आंसर दे सकते हैं, है ना। अब एक सवाल और यहां पर मैं लिखता हूं, उसको आप लोग बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 1954 का कैलेंडर अगले किस वर्ष समान होगा। 1954 का कैलेंडर अगले किस वर्ष समान होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे बेटा, आखिरी के दो डिजिट में भाग देंगे, चार एकम चार, चार तीन बारह, कितना बचेगा? तो अगर दो बचेगा तो दिए गए वर्ष में कितना ऐड करेंगे? 11। उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा। कितना आ गया? 1965। क्लियर है सभी को? अब एक सवाल लिखता हूं, वो पूरा लिखूंगा और उसके ऑप्शन भी लिखूंगा कंप्लीट। लिखेंगे सवाल, लिखेंगे वर्ष 1896, वर्ष 1896
वर्ष 1896, वर्ष 1896 के बाद कौन सा वर्ष होगा, के बाद कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा जो 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 वर्ष 1896 वर्ष 1896 के वर्ष के समान है, वर्ष के समान है, समान हो, वर्ष 1896 के पूरे वर्ष के समान हो, पूरे वर्ष के समान हो। तो बेटा जिसके ऑप्शन है जल्दबाजी नहीं करना, पहला ऑप्शन लिखेंगे 1902, दूसरा 1924, माफी चाहता हूँ 1924, तीसरा 1908, चौथा 1912, 1917 लिख लो, माफी चाहता हूँ 1917। तो बोलिए प्लीज। अगर बेटा मैं ऑप्शन की बात करूं, आप ध्यान से सुनना है मेरी बात को, सभी लोग प्लीज काम धाम छोड़ दे, प्लीज एक बार ही सुनना है ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। कुछ बच्चे इसमें ट्रिक यूज कर रहे होंगे, 1896 लिखा हमने, लास्ट के दो डिजिट कट गए होंगे, 28 जोड़ा होगा तो 1924 काफी बच्चे आंसर बता रहे होंगे, कितना 1924, जबकि बेटा ये बिल्कुल गलत है। अब आप कहोगे सर या तो आपकी ट्रिक पहल हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जगह जगह से, चार सवाल यहाँ से, दो ट्रिक यहाँ से, ट्रिक समझो ना अप्लाई कहाँ करना है। हमारे पास बाण तो रखे हैं लेकिन हर जगह एक ही बाण अप्लाई नहीं होता है, जगह जगह पर अप्लाई होते हैं। तो ये ट्रिक कहाँ यूज होती है अब ध्यान से समझना बेटा। देखिए अब ध्यान से, 1896 है, 1896 में हम आखिरी के दो डिजिट में चार से भागते हैं, बिल्कुल सही है। जब नंबर एग्जैक्ट कटा तो माइंड में ट्रिक घुमा कि 24 जोड़ना है, लेकिन 24 जोड़ने से पहले बेटा एक बात ध्यान रखना, 1896 में 24 जोड़ेंगे तो ये शताब्दी चेंज हो रहा है, 24 जैसे जोड़ा तो शताब्दी चेंज हो जाए 1924, पहले 1800 वाली शताब्दी थी, अब कौन सी शताब्दी हो गई, 1900 वाली शताब्दी हो गई, समझ रहे ना बात। अगर शताब्दी चेंज हो, शताब्दी चेंज है बीच में कौन सी 1800 के बाद कौन सी शताब्दी आई है, 1900, अगर ये 1900 वाली शताब्दी है और ये अगर 400 से एग्जैक्ट कटे, बेटा ध्यान से सुनना, 400 से अगर ये शताब्दी एग्जैक्ट कटेगी तो ट्रिक यूज होगी। अगर 1900 वाली शताब्दी 400 से नहीं कटेगा एग्जैक्ट तो समझ लो ट्रिक यूज नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको 1996 दिया था, इसमें क्या हुई शताब्दी आई 2000, 2400 से बेटा एग्जैक्ट कट गया था इसलिए ट्रिक यूज हो गया था। तो आप कहोगे सर मोटी मोटी ये बात है, बिल्कुल यही बात है, मैं आपको मोटी मोटी दो शब्दों में बता देता हूँ बेटा। अगर हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं चार से भाग दे के, अगर इनके शताब्दी चेंज नहीं है, अगर 1800 का 1800 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1800 से 1900 में पहुंचे या 1700 से 1800 में पहुंचे, 1600 से 1700 में पहुंचे, तो उस शताब्दी को चेक करेंगे 400 से कटा तो हमारा आंसर यही होगा, अगर नहीं कटा है तो फिर ऑड डेज का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ऑड डेज का कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया है, तो इसमें ट्रिक यूज नहीं होगी। अगर शताब्दी जो भी शताब्दी वर्ष हो वो 400 से एग्जैक्ट कटेगी तो ही आपकी ट्रिक यूज होगी। अगर शताब्दी नहीं आता है, जैसे 1910 है, इसमें भाग देंगे 11 जोड़ा कुछ भी जोड़ेंगे तो 1900 वाली शताब्दी मिलेगी, सेम शताब्दी। अगर शताब्दी चेंज हो तब चेक करना है जो शताब्दी आई है वो 400 से कटी है कि नहीं कटी, नहीं कटा है तब ऑड डेज से बनाना है, कट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी ट्रिक यूज होगी। तो अब इसे बनाएंगे कैसे, 1896, अभी भी ध्यान से समझना बहुत लॉजिक है, एक तो ये वैसे ही गलत हो गया, 1924 क्लियर है। आगे 1896 कैसा है बेटा, एक लीप वर्ष है तो विषम दिन कितना बचेगा, तो 1897 एक बचेगा, 98 के लिए भी एक बचेगा, 99 के लिए भी एक बचेगा। अब आ गया 1900, 1900 में लीप वर्ष है कि नहीं है,
29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी, तो 400 से भाग देंगे बेटा, कितने से, 400 से, 400 से एग्जैक्ट कटा नहीं कटा, तो इसमें भी एक बचेगा, 1901 एक बचेगा, 1902, 1901 तक मैं चेक कर लेता हूँ, 7 तो नहीं हो गया जोड़, कहीं कहीं हम आगे तो नहीं निकल आए, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7, 7 आ गया बेटा, 7 7 से एग्जैक्ट कट जाएगा, तो इसके बाद का जो वर्ष आएगा वो कौन सा आएगा, 1900, तो क्या हमारा आंसर यही होगा। अब एक बार फिर से गौर फरमाइए, दिया गया वर्ष कैसा है, मैंने शुरुआत में बताया था दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है बेटा, कैसा है, एक लीप वर्ष, अगर ये लीप वर्ष है तो इसमें 29 फरवरी आई होगी, क्या 1902 में 29 फरवरी मिलेगी, अगर 29 फरवरी नहीं मिलेगी तो क्या ये पूरा कैलेंडर समान होगा, लेकिन आप कहोगे सर ये एग्जैक्ट कट गया तो 1902 ही होगा, 1902 तो सही है बेटा, लेकिन यहाँ 1902 में केवल और केवल 28 फेब तक, 28 फरवरी तक दिन समान रहे होंगे, समझ रहे ना बात, तो केवल जनवरी वाला महीने ही समान रहा होगा और आगे आके 28 फरवरी तक, इसके बाद क्या होगा, इसमें 29 फरवरी आई होगी और यहाँ पर 1 मार्च आया होगा, समझ रहे, इसका 29 फरवरी का दिन और इसका 1 मार्च का दिन समान होगा, तो यहां से कैलेंडर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो प्लीज समझना है लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही समान होता है, किसी साधारण वर्ष में समान नहीं होगा, साधारण वर्ष में यदि समान होता है तो केवल केवल उसका 1 महीना सेम होता है, जनवरी सेम, फरवरी सेम नहीं होता है, केवल और केवल 28 फरवरी तक समान होता है, तो ये बात ना समझना है, अगर पूछा होता हमसे कि वर्ष 1896 के बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो वर्ष 1896 के केवल जनवरी महीने का समान हो, तो केवल जन यहां लिखा हो तब पूरे किया गया केवल जनवरी महीने का, ओनली जनवरी महीने का, तो आंसर हो जाता 1902 बेटा, समझ रहे ना बात को सर, 1902 कब होता, जब जनवरी महीने का पूछा होता, तो फिर से हमें आगे बढ़ना होगा, रुकेंगे नहीं, 1902 के लिए कितना लिखेंगे, 1, 1903 एक लिखेंगे, 1904 एक लिखेंगे, 1905 एक लिखेंगे, 1906 एक लिखेंगे, 1907 एक लिखेंगे, 1907 तक देखते हैं, सॉरी माफी चाहता, 1904 लीप वर्ष होगा, 2 लिखेंगे, 2 और 2 4 5 6 7, ये कंप्लीट जोड़ के कितना हो गया बेटा, 7, तो 1907 के बाद नेक्स्ट वर्ष कौन सा आएगा, 1908 आएगा। अगर मैं इस पर ही चर्चा करूं वाई ऑप्शन बेटा, तो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही समान हो सकता है पूरा कैलेंडर, तो 1902 नहीं हो सकता, 1917 नहीं हो सकता, केवल ए बचे, एक 1924 और एक 1908। अब मैंने देखा कि बीच में जो शताब्दी वर्ष है वो 1900 आएगी, 1900 के 400 से एग्जैक्ट कटा नहीं कटा, तो 1924 भी नहीं हो सकता, केवल 1908 होगा सर, बात समझ पाए, तो ट्रिक यूज वही होगी जहां शताब्दी वर्ष कटेगी। एक और सवाल लिखता हूं, लिखिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल लिखते हैं, लिखिए नेक्स्ट सवाल, इसमें बेटा ध्यान समझना है, और मैं इसमें केवल जनवरी महीना ही समान पूछूंगा, लिखेंगे वर्ष 2004 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा, सा वर्ष होगा जिसका केवल 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 जनवरी महीना महीना वर्ष 2004 के समान हो, वर्ष 2004 के समान हो। तो बेटा इसमें हमने पूरा कंप्लीट नहीं पूछा है कि पूरा कैलेंडर कब समान होगा, केवल जनवरी महीना कब समान होगा, ये आपसे पूछा है, समझ रहे हो ना बात को बेटा, तो देखते हैं ध्यान से, तो वर्ष 2004 बेटा कैसा वर्ष है, जनवरी महीने के लिए बेटा कोई ट्रिक इसमें नहीं है, पूरा वर्ष समान है उसके लिए ही याद रखना है, 6 11 11 28, इसके लिए केवल ऑड डेज का कंसेप्ट यूज करेंगे, 2004 लीप वर्ष है, विषम दिन कितना बचेगा, 2, 2005 विषम दिन कितना बचेगा, 1, 2006 विषम दिन 1, 2007 विषम दिन 1, 2 3 4 5
दो और दो चार, 3 7, ऊपर से नीचे तक अगर जोड़ते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ष आएगा वो आएगा 2009, 2009। तो 2009 में आप लोग देखेंगे केवल और केवल ओनली जनवरी से मिलेगा। कैसे पहचान कर पाओगे, ध्यान से देखेंगे, ये कैसा वर्ष है बेटा, लीप वर्ष। ये कैसा वर्ष है, जनरल ईयर, एक साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष का साधारण वर्ष में मिलता है या साधारण वर्ष का लीप वर्ष में मिलता है, तो समझ लो केवल जनवरी वाला महीना ही समान है। मैं यहाँ लिखा देता हूँ डिब्बा, अगर कोई भी लीप वर्ष दिया है और उसका जनरल ईयर में मिलता है, और ये जनरल ईयर लिख लेते हैं, जनरल ईयर में मिले या जनरल ईयर का लीप ईयर में मिले, तो इसमें केवल और केवल बेटा जनवरी सेम रहेगा, जनवरी सेम। यदि यह दिख रहा है, क्लियर है, अगर आपको लीप का लीप में मिले या जनरल ईयर का जनरल ईयर में मिले, तो इसमें पूरा कैलेंडर समान रहेगा बेटा, पूरा कैलेंडर समान। इस जर्नल का जर्नल ईयर लिखा हुआ है, ऑल ईयर सेम, ऑल ईयर सेम। समझ रहे बात को, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। कभी भी बेटा लीप ईयर का जर्नल ईयर में पूरा वर्ष समान नहीं होता है, वहां केवल और केवल जनवरी महीना ही समान होता है। उम्मीद करता हूं बात बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़े सरकार, इजाजत दे हमें, प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करो आप लोग। लाइक का बटन दबाने में कितना वक्त लगता है यार, आप शुरुआत में जैसे ही आए तुरंत पहले लाइक किया करो, उसके बाद है ना, पहले शेयर कर दिया करो, आखिरी में लाइक कर दिया करो, क्लियर है। चलिए मिटा दे इसे। तो एक और सवाल मैं देता हूं जनवरी महीना समान का, नेक्स्ट सवाल बिल्कुल खत्म होना चाहिए, पूरी कहानी समझ में आना चाहिए बस। एक सवाल और लिख लेते हैं, लिखेंगे वर्ष 1872 के बाद ऐसा कौन सा दिन आएगा, ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी सेम हो, केवल जनवरी महीना समान, महीना समान। तो बेटा 1872 में लीप वर्ष है तो विषम दिन कितने होंगे, दो, 73, विषम दिन एक, 74, विषम दिन एक, 75, विषम दिन एक, 76, विषम दिन दो, 2 2 4 3 7 होगी, इसके बाद 77। तो 1877 जब आएगा इसका नेक्स्ट वर्ष, तो एक कैसा है लीप वर्ष और एक कैसा है साधारण वर्ष, तो यहाँ पर केवल जनवरी से मिलेगा बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1877। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। तो वर्ष समान का कंसेप्ट इतना सा ही था, दो मोटी मोटी बातें याद रखना है। पहला 6 11 11 28 उस ट्रिक का यूज करेंगे, हर सवाल में करेंगे, लेकिन बीच में शताब्दी वर्ष 400 से एग्जैक्ट कटे, क्लियर है। अगर 400 से नहीं कटेगा तो हम ऑड डेज का कंसेप्ट यूज करेंगे। जनवरी सेम कब होगा, जब लीप वर्ष का साधारण वर्ष में दिखे आपको एग्जैक्ट 7 से कटने वाला, या साधारण वर्ष का लीप वर्ष में दिखे तो जनवरी समान होगा। साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में पूरा कैलेंडर समान होगा, और लीप वर्ष का लीप वर्ष में पूरा कैलेंडर समान होगा। बात इतनी सी समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, अगली शताब्दी वर्ष के शुरुआत व आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो एक बार ध्यान से समझना, सब अच्छे से परिचित हैं कि प्रथम 100 वर्षों में यहां लिखता चलता हूं मैं, इधर यहां दिख रहा है, देखिए प्रथम 100 वर्षों में
उत्तम 100 वर्षों में बेटा और डिश कितने आते हैं? मैंने बताया था 0 आता है। नहीं बेटा, गलती कर देंगे, 5। प्रथम 200 वर्षों में तीन, प्रथम 300 वर्षों में एक, प्रथम 400 वर्षों में 0। यही है प्रथम 100 वर्ष का मतलब। ये है एक से शताब्दी शुरू हुई होगी और 100 तक गई होगी, एक से शुरुआत हुई होगी बेटा और 100 तक गई होगी। तो 100वीं वर्ष का जो आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर है ना, वो कौन सा दिन होगा वो आपसे पूछ लेगा। तो यहां और डेज कितना बचा है? 5। और इधर फिर 101 से शुरुआत हुआ होगा, 200 तक गया होगा, तो यहां और डेज जो बचा है वो कितना बचा है? 3। समझ रहे ना बात को सर? फिर 201 से आगे बढ़े होंगे 300 तक, यहां और डेज है 1। फिर 301 से आगे बढ़े होंगे बेटा 400 तक, तो यहां और डेज क्या है? 0। अब बात को ध्यान से समझना बेटा प्लीज। काफी सवाल पूछे जाते हैं किसी भी वर्ष के अंतिम दिन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। पहली शताब्दी बोलते हैं बेटा 1 से 100 तक, पहली शताब्दी। ये दूसरी शताब्दी है, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी। जहां खत्म होती है पहली शताब्दी 100 पर खत्म होगी, दूसरी शताब्दी 200 पर खत्म होगी, तीसरी शताब्दी 300 पर खत्म होगी, चौथी शताब्दी 400 पर खत्म होगी, लेकिन शुरुआत 301 से रहेगी। जैसे अभी 2000 वाली शताब्दी है, वो 2000 नहीं, वो 2100 वाली शताब्दी है, 2100 पर खत्म होगी। समझ रहे ना बात को? तो अब ध्यान से समझना बेटा, अगर ऑड डेज 5 बचता है, ये ऑड डेज का कंसेप्ट रहता है, अगर 0 बचता है तो रविवार मानते हैं, 1 बचता है तो सोमवार मानते हैं, केवल ऑड डेज के कंसेप्ट में बेटा। 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो गुरुवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार। क्लियर है? 7 बचेगा नहीं, 7 से भाग देने पर ऑड डेज। लेकिन जो हम लोग डे निकालते थे ना कि कौन सा दिन होगा, उसमें हम लोग ट्रिक दूसरी यूज करते थे, 144 वाला, उसके हिसाब से अलग थे जी बेटा, शताब्दी वर्ष के हिसाब से अलग। अब पांचवा है तो यहां क्या आ जाएगा? फ्राइडे। पहली शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा वो फ्राइडे होगा ना, और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 3 पर क्या है? वेडनेसडे। 1 पर क्या है? मंडे। 0 पर क्या है बेटा? संडे। तो बात को ध्यान से समझो बेटा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन क्या नहीं हो सकते, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, नहीं अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ऑप्शन दे देगा 4। पहला फ्राइडे, दूसरा मंडे, तीसरा सैटरडे, चौथा संडे। तो अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता बेटा? फ्राइडे होता है, मंडे होता है, केवल क्या नहीं होता है? सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी जिंदगी में शनिवार नहीं हो सकता। शताब्दी वर्ष एप ये याद रखना है, MWF ये याद रखना है। देखिए MWF, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और संडे दोनों में कॉमन रहते हैं, संडे। तो MWF याद रखना है, किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन या तो सोमवार हो सकता है, या बुधवार, या शुक्रवार, या रविवार, इसके अलावा कोई भी दिन आए बेटा वो कभी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना है MWF, ये ट्रिक याद रखना है शताब्दी वर्ष के लिए MWFS।
एस मतलब MWF याद रखना है, एस तो कॉमन है, संडे की छुट्टी रहती है, ऐसा याद रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा कि नहीं होगा, तो ट्रिक याद होना चाहिए MWFS। तो इसी ट्रिक की हेल्प से हम लोग ये भी बता सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है, इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, हो सकता है, तो क्या नहीं बता पाएंगे बेटा? ऑप्शन दे दिया उसने, ऐसे यहां पर दे दिया सैटरडे, दूसरा ट्यूजडे, तीसरा फ्राइडे, चौथा थर्सडे। तो क्या आंसर नहीं बता पाएंगे? इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? तो शुक्रवार। कभी भी जिंदगी में शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, TTS जिसे बोलते हैं, वो कभी भी जिंदगी में किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकती। TTS और जिस TTS ये कभी भी जिंदगी में किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। माइंड में अच्छे से सेट करके जाना है, MWF और एस संडे फ्री, ये ही शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होंगे। अगर पर्टिकुलर करके पूछ ले इनकेस कभी कभी, तो आपको याद रखना है अच्छे से, क्रम याद रखना है, विषम संख्याओं घटते क्रम है, 5 3 1, 5 3 और 1। देखिए आपसे पूछ लिया कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, पहली शताब्दी का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होगा, पहली शताब्दी का अंतिम दिन होगा, तो क्या हम बता नहीं पाएंगे? पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा बेटा? 5, 5 मतलब होगा फ्राइडे, आंसर याद याद रखना है 5। दूसरी शताब्दी का 3, तीसरी का 1, चौथी का 0, 0 मतलब क्या होता है? रविवार। 5 मतलब होगा शुक्रवार, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब बेटा कभी कभी इसके उल्टा पूछ लेगा, अंतिम की जगह पर अगर उसने पूछ लिया कि पहला मतलब शुरुआत वाला दिन क्या हो, किसी भी शताब्दी का पहली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये जो है जो फ्राइडे को खत्म हुआ होगा, 100 मतलब 100वां वर्ष चल रहा होगा, उसका 31 दिसंबर आया होगा, है ना, समझना बात को, तो उस दिन शुक्रवार था, रात में हम लोगों ने खूब पटाखे फोड़े होंगे, नया साल बनाया होगा, तो इसके बाद तुरंत यहां पर क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा बेटा? सैटरडे होगा। क्या होगा? सैटरडे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे दूसरी शताब्दी खत्म हुई तो 31 दिसंबर को क्या था? बुधवार। फिर से पटाखे फोड़े होंगे, खूब मौज किया होगा, सर्दी है रात में, है ना, इसके बाद बुधवार के बाद यहां पर फिर से क्या आ जाएगा? थर्सडे। क्या आ जाएगा? थर्सडे। फिर से ध्यान से समझना, ये मंडे है, चौथी शताब्दी की बात करूं, चौथी शताब्दी की, तो चौथी शताब्दी फिर से यहां पटाखे फोड़े साहब, इसके बाद आ जाएगा ट्यूजडे। फिर से यहां पर देखेंगे चौथी शताब्दी है, साइकिल घूमती रहती है, तो 5वीं शताब्दी मतलब पहली शताब्दी में आ जाएंगे, संडे, तो यहां होगा बेटा मंडे, और यही पूरा पैटर्न पूरी उस पर चलता है साहब। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ट्रिक में लिख लेते हैं, अंतिम दिन और शुरुआत वाले दिन, अंतिम दिन और शुरुआत वाले दिन, तो अंतिम दिन याद रखना है MWF और शुरुआत वाले दिन TTS, और दोनों में संडे फ्री है, दोनों में संडे क्या है? फ्री है। मंडे सैटरडे माफी चाहते हैं, मंडे आ जाएगा, मंडे। किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन MWFS होंगे, या देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, सैटरडे कॉमन है और मंडे कॉमन है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं कर देना। देखिए ध्यान से, आप तो केवल ये वाले याद रखिए, इसके उल्टे सब समझ में आ जाएंगे। MWF जो बच गए, TTS, MWF TTS याद रखना है कि नहीं?
याद रहेगा, तो इसको बना लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ में। तो अंतिम दिन याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये शुरुआत वाले दिन हो गए, ये अंतिम दिन हो गए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को? समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। तो इसमें सवाल बनते हैं, वो आप लोग बना लेंगे, कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकते, कौन कौन हो सकते हैं, इस टाइप के हर एक सवाल आप लोग बना लेंगे। चलिए, धन्यवाद सभी को। ये टॉपिक है वो खत्म हो गया है, और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आके रीजनिंग का। तो प्लीज ये पूरे 6 लेक्चर आप लोग देखें, इसके बाद दोबारा आपको कैलेंडर नहीं पढ़ना पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ जाओगा। धन्यवाद सभी को सर।